नमस्ते अतिमानसिक चेतना के धरती पर प्रकटन से कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं उनका आना स्वाभाविक था ठीक वैसे ही जैसे मनों में चेतना के प्रकटन से जो पशु की चेतना थी उनमें एक नए प्रकार की समस्याएं वास्तव में आ, किसी भी स्तर के जीव की जो समस्या होती है उसका समाधान उसके आगे जाकर मिलता है लेकिन उस आगे के स्तर पे अन्य प्रकार की समस्याएं प्रारंभ होती हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो सीमा ने देखी अतिमानसिक सत्य के आने के बाद कि जो मनुष्य होंगे उनके प्रति जो ये मनुष्य होंगे जो नई चेतना की ओर उठ रहे होंगे ना केवल उनको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा किंतु ये संभव है कि जो साधारण मानव है जो विकास नहीं चाहता प्रगति के विरोध में खड़ा है ना केवल नहीं चाहता क्योंकि वो उसमें इनर्शिया है बल्कि वो उसका विरोध करता है वो इसमें रुकावट पैदा करने की चेष्टा कर सकता है एक जगह श्रीमा स्वयं बताती हैं कि कुछ लोग जो मेरे बहुत करीबी रहे हैं वे बहुत बहुधा एडवर्स फोर्सेस से अटैक्ड होते हैं क्यों क्योंकि वे श्रीमा के शरीर पर प्रहार करने का यही एक माध्यम उनको बड़ा सरल मिलता है इसलिए एक तो ये कहती हैं कि वे लोग जो उनकी सेवा में प्रस्तुत हैं जो उनके करीब हैं उनको सजग सचेत रहना चाहिए दूसरी बात वो ये भी बताती हैं कि लेकिन यदि श्रद्धा है और समता का अभ्यास है तो व्यक्ति इन चीज़ों से निकल जाता है क्योंकि उस साथ में एक बहुत बड़ी दैवी कृपा भी चलती है सीमा का प्रेम चलता है और इसको हम देखते हैं कि किस तरह से जब श्री राम का रामायण में युद्ध होता है तो अटैक किसके ऊपर होता है वे लोग जो श्री राम के बहुत करीबी हैं और कई बार तो राम स्वयं उसको अपने आ, आ, अपनी छाती पर ले लेते हैं यही चीज़ हम महाभारत युद्ध के समय देखते हैं तो जब ये नई चेतना धरती पर प्रकट होगी तो ना केवल उसके प्रति वैसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जैसे पशु की चेतना ने मनुष्य के प्रति रखी किंतु कई बार मनुष्य के प्रति जो मनुष्य की इन बीइंग्स के प्रति जो इस नई चेतना में उठ रहे हैं एक होस्टाइल एटीट्यूड भी हो सकता है और इसीलिए सीमा कहती हैं कि पहला एस्पेक्ट जो सुप्रामेंटल का आएगा वो पावर आएगा क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी सत्य ज्ञान जॉय रूपांतरण ये सब बाद में आएगा पहली समस्या होगी कि ये जो नई चेतना के स्तर में उठ रहे हैं उन पर जो अटैक्स होंगे तो उनको कैसे प्रोटेक्ट रखना है और इसीलिए सीमा बहुत सारे अगर हम देखें तो उस समय के नियमों में जाएं तो सीमा चाहती थी अवॉइड करती थी खासकर सुपर माइंड आने के पहले कि लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाएँ या इंटरमिक्सर मिक्सचर हो बीच में बच्चों के आने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे बच्चे बाहर जाते थे कभी कभी खेलते भी थे लेकिन बाद में जनरली वो ये सचेत रह चाहती थी कि हम लोग सचेत रहें इसके प्रति कि जब हम बाहर जाएंगे एक परिधि के बाहर प्रोटेक्शन के बाहर किसी आंतरिक कारण से या बाहरी प्रोटेक्शन के बाहर तो समस्या आ सकती है तो वे वे कहती हैं स्पष्ट रूप से कि पहला एस्पेक्ट जो आएगा वो सुपरमेंटल पावर आएगा और ये पावर बड़ी अद्भुत है ये ये एक ऐसी शक्ति है जो जिसको कोई भेद नहीं कर सकता अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से शेयरविंद आश्रम पे भी अटैक हुआ था उन्नीस में हुआ और उन्नीस में हुआ और उसकी बात जब उपयुक्त समय आएगा तब करेंगे लेकिन इतना भयानक अटैक जिसमें कई लॉबीज़ थी कम्युनिस्ट लॉबी थी जो लोकल पार्टीज थी जो रैशनलिस्ट कहती हैं अपने आप को और तीसरी जो हार्ट कोर क्रिश्चन लॉबी थी तो इन सब के अटैक्स हुए थे लेकिन कोई क्षति बाहरी क्षति पहुंचाने की चेष्टा की गई लेकिन फिर से आश्रम ग्रो करने लगा उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि ऑरवेल का प्रोजेक्ट प्रारंभ होता है लेकिन ये प्रयास किए जाएंगे इसलिए माँ बताती हैं कि सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो पावर आएगी लेकिन साथ ही हम लोगों को कुछ बड़े सुंदर संकेत देती हैं जिसको हमको स्मरण रखना है एक संकेत ये देती हैं कि मार्ग लंबा है इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई भी योग का मार्ग योग कोई एक बच्चों का खेल नहीं है कि कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं हमने सीख ली कुछ अनुभव हो गए कुछ इट्स नॉट ए फील गुड फैक्टर कि हमको अंदर में बहुत अच्छा लगा हम स्वस्थ रह रहे हैं जब से हमने ये यो, योग अपनाया वो योग नहीं है वो योग से संबंधित कुछ एक्सरसाइजेस है परंतु योग यानी दिव्य के साथ यूनियन भगवान के साथ यूनियन पूरी संसार की शक्तियां विद्रोह करती हैं इसके अगेंस्ट क्योंकि प्रकृति का खेल जो हम लोग पढ़ रहे थे उससे उस घेरे से कोई बाहर निकल जाएगा और जब रूपांतरण का योग है जिसमें ना केवल सोल को प्रकृति के नियम प्रकृति के अज्ञान जिसमें वो बंधी हुई है उससे बाहर निकलना है बल्कि मन प्राण शरीर को भी बचा करके ले जाना है तो प्रकृति का एडवर्स फोर्सेस का होस्टाइल फोर्सेस का एस्टैब्लिश जितने भी फोर्सेस हैं यहाँ तक कि स्पिरिचुअल फोर्सेज का इन सब का सामना अंधकार से निकली हुई शक्तियों का प्रकाश की शक्तियों का इन सब का अवरोध सामना करना पड़ता है लेकिन एक तरीका है जो इस मार्ग को बहुत सरल और बहुत ही सेफ बना देता है सुरक्षित बना देता है और सीमा का उसमें से एक सूत्र है मार्ग लंबा है किंतु समर्पण उसे छोटा कर देता है मार्ग कठिन है किंतु आत्म उत्सर्ग सेल्फ गिविंग उसे आसान बना देता है अब इसको हम देखें बड़े सिंपल ढंग से कि कई लोग कहते हैं ओ 300 वर्ष चार वर्ष अब कल्पना कीजिए कि हम एक ट्रेन में ये जर्नी है योग की एक जर्नी है हम एक जगह से दूसरे स्थान तक यात्रा कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं एक है कि कुछ घंटों की यात्रा एक है लंबी यात्रा अब लेकिन अगर हमें ये कह, कह दिया जाए कि इस यात्रा में प्रारंभ से यात्रा के अंत तक स्वयं भगवान तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारी देखभाल भी करेंगे तुम्हारे साथ रहेंगे तुमसे जब चाहोगे उनका सानिध्य प्राप्त होगा तो क्या वो यात्रा लंबी लगेगी ये एक कॉमन एक साइकोलॉजिकल अनुभव है कि जब कोई ऐसा साथी होता है जो सफ़र में साथ होता है जिसके साथ आप आनंदित होते हैं तो यात्रा लंबी नहीं प्रतीत होती है बल्कि लगता है कि अरे ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई क्यों हो गई और थोड़ी लंबी होती तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि इस यात्रा में भगवान स्वयं हमारे साथ चलते हैं सीमा स्वयं हमारे साथ चलती हैं तो यात्रा की लंबाई के बारे में सोच व्यक्ति तब तक रखता है जब तक इस अनुभव को प्राप्त नहीं कर लेता और जब वो इस अनुभव को प्राप्त कर लेता है जिसका द्वार वास्तव में चैत्य है या श्रद्धा है कि हाँ सीमा ही हमें इस यात्रा में ले जा रही हैं तब उसको यात्रा के लंबे और छोटे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वो तो हर अवस्था में आनंदित होता है दूसरी चीज़ जो सीमा हम लोगों को याद दिलाती हैं ये उन्नीस की अंतिम टॉक है 18 दिसंबर की तो इसमें भी बताती हैं कि एक चीज़ का स्मरण रखना और स्मरण रखने के लिए वो पहली चीज़ बताती हैं फर्स्ट बी ए बेसिस ऑफ परफेक्ट बैलेंस देयर मस्ट फर्स्ट बी ए बेसिस ऑफ़ परफेक्ट बैलेंस ये कोई ऐसी साधना नहीं जिसको हम एग्जिजरेट करके कुछ लोग मैं कई दिनों तक भोजन नहीं करूँगा नींद नहीं करूँगा मैं एक कमरे में बंद कर लूँगा अपने आप को एक रंगा कपड़ा पहनूंगा, सन्यासी की वेशभूषा बना लेगा लूँगा ये वो योग है ही नहीं क्योंकि ये एकांगी योग नहीं है ये सर्वांगीण योग है दूसरी बात है कि ये इसमें इस योग में हम केवल प्रकृति के घेरे में एक छिद्र बनाकर बाहर नहीं निकल जाते हैं समग्र प्रकृति को हमको उसी योगयुक्त होकर ऊपर उठाना है जो एक नए जगत की ओर ले जाता है तो बेसिस ऑफ परफेक्ट बैलेंस फिर लेकिन ये परफेक्ट बैलेंस का तरीका क्या है परफेक्ट बैलेंस तब आता है जब हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि हम सब चीज़ों को समुचित स्थान देते हैं द बैलेंस अब बैलेंस कैसे आएगा द बैलेंस गिवन बाई ए टोटल एबसेंस ऑफ इगोइज़म जब भी हम कोई चीज़ अपने लिए करने की चेष्टा करते हैं तो हम सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं तो हमारा ध्यान एक किसी दिशा में ज़्यादा हो जाता है और वो इंबैलेंस का एक कारण होता है जैसे कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं हम uh, अच्छे दिखें या हमारा शरीर के ऊपर ध्यान जाता है तो वो इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि हमने अपने बारे में अपने शरीर के बारे में सोचना शुरू कर दिया लेकिन जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं उनके प्रति अपने को समर्पित करते हैं तो स्वतः ही वो बैलेंस आता है क्योंकि भगवान का स्पर्श वो बैलेंस लाता है ए परफेक्ट सरेंडर टू द सुप्रीम तो ये दो चीज़ बता रही हैं एब्सेंस ऑफ इगोइज़म और परफेक्ट सरेंडर द ट्रू प्योरिटी अब यहाँ पर वो स्पष्ट करती हैं कि प्योरिटी क्या है Uh, हम लोग नॉर्मली प्योरिटी से मॉरल प्योरिटी एथिकल प्योरिटी इसको प्योरिटी समझते हैं या बाहर से uh, स्नान करना समय पर इत्यादि लेकिन ट्रू प्योरिटी है भगवान के इन्फ्लुएंस में रहना आइडेंटिफिकेशन विद द सुप्रीम यही एक मात्र ट्रू प्योरिटी है यानी हम भगवान से जुड़े रहें और जैसे जैसे भगवान चाहते हैं वैसे हम चलते रहें विदाउट दिस बेसिस ऑफ परफेक्ट बैलेंस द सुपरमेंटल पावर इज डेंजरस एंड वन मस्ट ऑन नो अकाउंट सी किट और वांट टू पुल इट डाउन ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसको हम हठात जबरदस्ती बलपूर्वक अपने अंदर उतारें और कोई भी दिव्य शक्ति हम देखते हैं कि रावण ने यह प्रयास किया था उसने सीता हरण उस उसको मालूम था कि वास्तव में माता सीता ही जगदम्बा है उन्हीं के पास वो शक्ति है जो पूरी तरह उसको ना केवल त्रिलोक का विजेता बना सकती है बल्कि सबके ऊपर राज्य करा सकती है और उन उसने बलपूर्वक सीता माता का हरण करने की का प्रयास किया और उसका अंत क्या हुआ महाविनाश हुआ तो ये हमको स्मरण रखना चाहिए कि ये ये जो शक्ति है सुपरामेंटल पावर इसको हम बलपूर्वक नहीं खींच सकते अपने नीच के लिए नहीं खींच सकते फॉर इवन इन एन इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी इट इज़ सो पावरफुल एंड सो फॉर्मिडेबल दैट इट कैन अनबैलेंस एंटायर सिस्टम और इसके कई सारे उदाहरण हैं एक सज्जन थे जिन्होंने सीमा की शक्ति का आवाहन किया जब वो जैवलिन थ्रो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट आऊँ जैवलिन थ्रो में और सीमा का आवाहन करके सीमा ने मना किया है फिर भी तो उन्होंने जैवलिन जब थ्रो किया तो ये भी सच है एक और कि वो जैवलिन का जो रिकॉर्ड है आज तक नहीं टूटा है आश्रम के कंटेक्स्ट में क्योंकि वो इतनी दूर गया लेकिन ये भी दूसरा सच है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया इसी प्रकार से एक और इंस्टेंस है जहाँ हम लोग पहले चार पिलर्स की बात कर रहे थे इमोटैलिटी के जो चंपक जी जिसके बारे में बताते हैं उनके नोट्स में है उनमें से एक फेथ तिरुपति तिरुपति के अंदर फेथ इनकारनेट कर रहा था लेकिन उनको इसी बात का एक गुमान हो गया एक गर्व हो गया कि मैं एक पिलर हूँ कहीं ना कहीं से ये बात उन्हें पता चली और इसके कारण वो इम्बैलेंस हो गए तो ये इतनी आवश्यक है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उतना अधिक विनम्र होने की आवश्यकता है उतना अधिक हमको सचेत रहना है कि किसी प्रकार का इकोइम हमारे अंदर ना आए और, और अधिक हम इम्पर्सनल और यूनिवर्सल सेवा के लिए प्रस्तुत हैं रहें तो ये माँ सचेत करती हैं फिर एक और चीज़ बहुत सुंदर बताती हैं सिंस आई एम स्पीकिंग टू यू अबाउट इट

सीमा कहती है इतनी छोटा सा तो तुम्हारा घड़ा है इतनी छोटी सी चेतना है सुपर माइंड आएगा कहाँ उसको स्थान कहाँ मिलेगा और यदि वो आ गया तो ये सारी हमारी देह यष्टि मन प्राण खंड खंड हो सकते हैं इसलिए वो कहती है पहले विशाल बनो पहले रिजुता लाओ प्लास्टिसिटी वाइडनेस इक्वेनिमिटी अपने आप को स्थिर रखना सीखो बैलेंस संतुलन रखना सीखो तब सुपर माइंड का कार्य प्रारंभ होगा और जितना हम अंदर में शांत तो और स्थिर रहेंगे उतना अधिक जितना अधिक हम विशाल और रिजु रहेंगे उतना अधिक सुप्रामेंटल फोर्स स्वतः कार्य करेगी गिव योर सेल्फ ओपन योर सेल्फ विद एज मच डिसनेस एज यू कैन खुद को खुला भी रखना है भगवान की ओर और, और देना भी है तो इस भाव से नहीं कि मुझे ही क्या मिलेगा डिस इंटरेस्टेडनेस ये हमको स्मरण रखना है डिसइंटरेस्टेडनेस एज यू कैन अटेन थ्रू ए कॉन्स्टेंट सेल्फ और गिटफुलनेस अपने बारे में हमको स्मरण ही नहीं रखना है आ, हमारा क्या लाभ हो रहा है हम कितनी प्रगति कर रहे हैं मॉनिटर करना कि देखो हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ उसको हुआ हमें क्यों नहीं हुआ वो भगवान की इतना करीब है हम क्यों नहीं हैं ये ये भाव हमको संकीर्ण बनाता है संकुचित करता है और हमको भगवान से दूर रखता है इंक्रीज योर रिसप्टिविटी टू दी अटमोस्ट बट नेवर ट्राई टू पुल द फोर्स टू वर्ड्स यू अब रिसप्टिविटी के लिए सबसे सुंदर तरीका यही है देना क्योंकि जब हम देते हैं तो खुलते हैं और हमारा घड़ा खाली होता है लेकिन यदि हम चिपके रहेंगे जुड़े रहेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा कि ओल्ड थिंग्स से अटैच रहेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि हमारे अंदर जगह नहीं रहेगी भगवान की तो जितना अधिक हम देते हैं उतना अधिक हम स्पेस बनाते हैं भगवान के आने के लिए और जब वो आते हैं धीरे धीरे वो स्पेस को भी विस्तृत करते चले जाते हैं फॉर वांटिंग टू पुल इज ऑलरेडी ए डेंजरस इगोइजम मैं सुपरामेंटल बींग बन जाऊँ सुपरमैन बन जाऊँ ये एक भयानक प्रकार का अहंकार है यू मे एस्पायर अभीपसा हमें करनी चाहिए भगवान की भगवान से एक होने की एकत्व की उनकी शरण में आने की उनके सेवा करने की उनकी भक्ति बढ़ाने की श्रद्धा को बढ़ाने की ज्ञान कर्मनिष्ठा निष्ठा सिंसेरिटी पवित्रता आनंद शांति समता ग्रैटिट्यूड माधुर्य हम जो भी चाहें ईश्वर के वो सारे गुण हमारे अंदर प्रकट हों विनम्रता ये सब कि हम अभिप्सा कर सकते हैं लेकिन अभिप्सा एक अलग चीज़ है जब अभिप्सा में व्यग्रता आ जाती है उसके अंदर एक एक डिस्पेयर आ जाता है या एक्साइटमेंट आ जाता है या शीघ्रता की चाह होती है तब ये एक प्रकार की इकोइजम होती है यू मे ओपन योर सेल्फ यू मे गिव योर सेल्फ बट नेवर सीक टू टेक वेन थिंग्स गो रॉन्ग पीपल ब्लेम द फोर्स But it is not the force that is responsible. It is ambition, egoism, ignorance, and the weakness of the vessel. एम्बिशन तो पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि एम्बिशन महत्वाकांक्षा खासकर स्पिरिचुअल महत्वाकांक्षा तो बड़ी भयानक होती है मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ मैं इंस्ट्रूमेंट बनूंगा और उसका एक साइन ये रहता है कि व्यक्ति समझने लगता है कि वो विशेष है या वो उसको कुछ विशेष मिशन करना है भगवान का ये चीज़ें स्वतः स्वाभाविक होती हैं तो ठीक है लेकिन यदि हम ये समझने लगे कि हम हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे एक छोटा सा एक चेंज होता है अंदर में और वो चीज़ों को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है तो सीमा बताते हैं कि महत्वाकांक्षा से सचेत रहो गोइम प्राइड कई बार लोग इसका इगोइज़्म हो जाता है कि हम एक जगह बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं श्री अरविंद के सेंटर में या कहीं और कार्ड में छप जाते हैं लेकिन ये सब केवल और कुछ नहीं है एक प्रकार का ईगोइज़म और महत्वाकांक्षा है माँ के बच्चे तो माँ के बच्चे होते हैं और सब माँ के बच्चे हैं वो सरल होते हैं और विनम्र होते हैं क्योंकि विश्व विराट भगवान के सामने कौन क्या है और या फिर अगर हम अज्ञान में जड़ से पकड़े हुए हैं और हमारा सिस्टम वैसे तैयार नहीं है छठ थोड़ी सी बात होती है और झट से हम रो पड़ते हैं झट से हम उदास हो जाते हैं इसीलिए समता का अभ्यास सिस्टम को स्ट्रांग भी बनाता है और यदि हम छोटी छोटी बातों पे उग्र हो जाते हैं क्रोधित हो जाते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि अभी हम हमारे सिस्टम को हमारे वसिल को आधार को अभी और प्रयासरत होने की आवश्यकता है गिव व्यू सेल्फ जेनरसली एंड विद ए परफेक्ट डिसइंटरेस्टेडनेस एंड फ्रॉम द डीपर पॉइंट ऑफ व्यू नथिंग बैड विल एवर हैपन टू यू साथ में हमारी सुरक्षा चलती है वो कह रही हैं कि यदि हम खुद को भूल करके अपने आप को दें तभी हम वो हमारे साथ हो तो सुरक्षा चलती है लेकिन साथ ही है कहती हैं ट्राई टू टेक एंड यू विल बी ऑन द ब्रिंक ऑफ दिस ये बहुत हल्का सा डिफरेंस है जो हमको स्मरण रखना है बड़ा सुंदर एक शेर है जिसमें कहा गया है कि कटाए सर जो उल्फ़त में वही सरदार होता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलफार्म होता है कि जो अपना सर कटाने को तैयार नहीं है जो अपने ईगो को लेकर बैठा है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ ये समझ के जो जीवन जी रहा है वो कहाँ तैयार है एज ए लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी लेकिन जो स्वयं को खाक में मिलाने के लिए तैयार है वही खाक में जाकर के वो uh, सुंदर पुष्प के रूप में पल्लवित होता है तो अगर हम ईगो को रख के भगवान के रास्ते पे चलेंगे ये वेल नोन मिस्टिक ट्रूथ है सीमा उसी सत्य को बहुत पावरफुल ढंग से और भी अधिक क्योंकि ये सुप्रमेंटल क्रिएशन है इसमें ईगो की कोई स्थान नहीं है उसी सत्य को और अधिक प्रभावशाली ढंग से हम सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं कि अहंकार और भगवान साथ नहीं चलते हैं एक को छोड़ना होगा या फिर भगवान आएंगे और अगर उन्होंने बलात् अहंकार को तोड़ दिया तो फिर हमको दुख होगा और हम कहेंगे कि भगवान आप तो आए लेकिन मेरे जीवन में आपने क्या किया उन्होंने वही किया जो करना उचित है क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती हैं अब ये अंतिम टॉक है उन्नीस की और उन्नीस अंतिम वर्ष है जिसमें सीमा सांध्य वार्ताएं करेंगी ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है इसमें कई बड़ी अद्भुत बातें होती हैं पहले तो ये वर्ष है सीमा का इट्टीत अस्सी अस्सीवा साल अस्सी साल की सीमा पार्थिव जगत में भौतिक जिसको हम कहें तो वो 21 फरवरी उन्नीस को फिजिकली उनकी एज होती है 80 इयर्स तो सबके अंदर एक उत्साह है डिसाइपल्स के अंदर कि अरे ये तो बहुत अद्भुत वर्ष है और हम लोग ऐसे मनाएंगे वैसे मनाएंगे लेकिन सीमा का कार्य केवल डिसाइपल्स तक तो सीमित नहीं है और डिसाइबल्स भी क्या हैं हम सब के अंदर जो सारी चीज़ों का संयोजन किया है वो तो मटीरियल नेचर ने किया है यदि वो स्वीकार नहीं करती है नई शक्ति को जिसकी बात हम लोगों ने कल पढ़ी वो अपने हिसाब से चलना चाहती है उसको कोई जल्दी नहीं है वो तो बल्कि सस्पिशियस होकर देखती है प्रारंभ में कि ये नई चीज़ क्या आ गई है तो वो प्रयास ये करती है कि नई चीज़ अपनी जगह पर रहे और मैं अपनी जगह पर रहूँ ये नई चीज़ आने से हम सबके हम हमारा खेल बिगड़ जाएगा तो वो यही प्रयास करती है कि जो पुराना पुरानी सोच है पुराना रहा जैसे एक चीज़ है ड्यूटी अब सीमा से किसी ने पूछा ड्यूटी के बारे में तो सीमा स्पष्ट करती हैं कि जो भगवान की ओर मुड़ गया उसकी कोई और ड्यूटी नहीं है सिवाय भगवान की सेवा के लेकिन अभी भी ऐसी मानसिकता है गीता पढ़ने के बाद भी रामायण देखने के बाद भी जानने के बाद भी कि हम समझते हैं कि नहीं जो भगवान ने सबसे बड़ा हम लोगों को ट्रुथ दिया है वो केवल ये कि परिवार की सेवा करो देखभाल करो बच्चों की इसकी यही मनुष्य का परम कर्तव्य है लेकिन अगर हम अपने ही सनातन धर्म के इतिहास में जाएँ तो भगवान की ओर जो मुड़ जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है उसके सामने ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं और उनका अपने आप भगवान देखभाल करते हैं वो एक और बात है ऐसे कई इंस्टांसेस हैं यहाँ भी जहाँ एक व्यक्ति आया और सीमा ने उनके सारे परिवार को कभी कभी तीन जनरेशन्स तक साथ में ले लिया दादा आए उनके पिताजी माताजी उनके भाई भाई लोग और ना जाने कितने लोग निरुद्ध आए कितने परिवार के सदस्य उन्होंने बुलाए अफकोर्स सबके अंदर कुछ कुछ होगा लेकिन शीमा ये कहती भी हैं कि जब मैं किसी को स्वीकार करती हूँ तो केवल उस व्यक्ति को नहीं स्वीकार करती हूँ मैं उसके साथ जुड़ी जो जो चीज़ें हैं जो जो व्यक्ति हैं उनको स्वीकार करती हूँ तो ये एक अद्भुत रहस्य है लेकिन अगर हम ये सोचें कि नहीं हमको ही करना है और हमें तो शायद हम और भी खेल बिगाड़ें क्योंकि अगर हम करने लगेंगे और अपने आप को ही इतना जिम्मेदार समझ रहे हैं कि यही हमारी ड्यूटी है तो भगवान कहेगा ठीक है फिर तुम अपने हिसाब से करो और मैं प्रतीक्षा करता हूँ तो ये हम अटैच रहते हैं पुरानी चीज़ों को तो जड़ प्रकृति उसी प्रकार से वो चाहती है पार्थिव प्रकृति कि हमारा मेरा खेल चलता रहे क्योंकि उसमें उसका लाभ है वो एक खेल खेल रही है वो तो मनुष्य को उलझाती है नाना प्रकार के एल्यूजन्स में बांध कर हम सोचते हैं कि हमने अपना जीवन बहुत अच्छा भगवान की सेवा में जिया एक बार एक सज्जन मिले थे मुझे और कहते नहीं मैं तो कर्मयोग कर रहा हूँ तो है कहा बहुत अच्छी बात है तो बहुत अद्भुत बात है कर्मयोग करना बहुत विशाल पथ है कहते है, मैं सब अपने पेरेंट्स की अपने वाइफ की बच्चे की सबकी देखभाल करता हूँ एक ड्यूटी के तौर पर यही कर्मयोग है अब ये कर्मयोग कदापि नहीं है शेयरविंद इसको एसेज ऑफ द गीता में बहुत स्पष्ट करते हैं कि ये ड्यूटी जो परिवार की ओर करना ये केवल एक वेस्टर्न कंसेप्शन है और मॉडर्न माइंड का कंसेप्शन है कर्मयोग का बिना भगवान को लाए कर्मयोग है ही नहीं कर्मयोग तो भगवान की सेवा है और भगवान की सेवा हम कर सकते हैं किसी व्यक्ति में परिवार में भी या अन्य लोगों में भी लेकिन वो भाव जब तक नहीं है और केवल एक बाहरी अटैचमेंट है तो वो कर्मयोग नहीं है तो लेकिन प्रकृति को अच्छा लगता है ये इल्यूजन हम लोगों ने पढ़े कितने प्रकार के इल्यूजन हैं कर्ता भाव ये बहुत बड़ा इल्यूजन है तो ये इल्यूजन के द्वारा प्रकृति हम लोगों को खेल को लंबा करती जाती है खींचती है कई जन्मों तक लेकिन सीमा कहती हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नहीं ये खेल अब बहुत अम्यूजिंग नहीं है बार बार उसका जन्म लेना मर जाना ऐसे ही ज्ञान में पीड़ा कष्ट नाना प्रकार की चीज़ें ये इसमें कौन सुखी रह सकता है कौन कह सकता है कि ये परफेक्ट वर्ल्ड है ये तो मूर्खतापूर्ण बात है लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि ये कैसे परफेक्ट बने इसलिए वो एस्केप की दिशा खोजते हैं लेकिन श्रीमान श्री अरविंद बताते हैं कि हमारे अंदर जो इनर परफेक्शन है उसको हम बाहर रियलाइज कर सकते हैं और उसके लिए एक तो सुप्रमेंटल शक्ति जो मन के परे है उसका आना अवश्य था आवश्यक था वो हो गया दूसरा कुछ कंडीशंस हैं जो हमें पूरी करनी है अपनी ओर से और इन दोनों के संजोग से एक परफेक्ट जगत इज़ ऑलरेडी इन द मेकिंग अब उसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि और कई चीज़ें हैं जो पार्थिव जगत से जुड़ी हैं और उनका सहयोग जरूरी है और उसमें से एक है मेटीरियल नेचर कई और भी देवी देवता हैं टाइटन फोर्सेज हैं उनकी बात उपयुक्त जगह पर लेकिन सीमा मेटीरियल नेचर को कन्विंस करने की चेष्टा करती हैं ये पहली जनवरी का माँ का मैसेज है उसके पूर्व में एक एक घटना है तो वो प्रकृति के साथ खेलती हैं और खेलते खेलते मेटीरियल नेचर पार्थिव प्रकृति के बीच में वो बीच बीच में वो नई चेतना नया सब्सटेंस सुपरामेंटल uh, जगत का जो उतर आया है वो डालती रहती हैं तो प्रकृति ये देखती है कि अरे ये तो मेरे खेल को और सुंदर बना रहा है ये मेरे खेल को बिगाड़ नहीं रहा है ये तो खेल में और अद्भुत हालांकि तीव्रता ला रहा है तेजी ला रहा है लेकिन कितना सुंदर बना रहा है कितना इसको उठा रहा है तो मैं क्यों पुराना खेल खेलूँ तो जो प्रकृति है मटीरियल नेचर जो हम सबको कॉन्स्टिट्यूट करती है पेड़ पौधे वर्षा पहाड़ समुद्र मनुष्य का देह सबसे अधिक ये सब मटेरियल नेचर की रचना है तो वो इस न्यू सब्सटेंस को स्वीकार कर लेती है और जब वो इस न्यू सब्सटेंस को स्वीकार करती है तो माँ बताती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है ऐसा मुझे सुनाई देता है वे सुनती हैं एक बहुत सुंदर जैसे एक ऑर्केस्ट्रा बिथोवेन का कंसर्टो डी मेजर में वो अचानक पूरे ब्रह्मांड में उसका निनाद हो रहा हो उस प्रकार का और सारा संसार हर्ष से भर गया क्यों क्योंकि जड़ प्रकृति ने इसको स्वीकार कर लिया इसने सब्सटेंस को तो वो पूरी सृष्टि इसको सेलिब्रेट करती है तो माँ एक जनवरी उन्नीस सौ तो को ये मैसेज देती हैं ओ नेचर मेटीरियल मदर दाउ हैस्ट सेट दैट दाउ विल कोलेबरेट एंड देर इज नो लिमिट टू देंडर ऑफ दिस कोलेबरेशन हे प्रकृति पार्थिव जननी तुमने कहा है कि तुम सहयोग करोगी एवं इस अद्भुत सहयोग की कोई सीमा नहीं है तो ये हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि पार्थिव प्रकृति ने ये गिफ्ट दिया भौतिक प्रकृति ने डिवाइन मदर को उनके अस्सी एटीएथ बर्थडे पर सहयोग के लिए स्वीकार हो गई कर लिया और फिर माँ बताती हैं लेकिन सचेत रहो क्योंकि मानव मन फट से जैसे समझता है ओ अब से कोई अर्थ uh, पेंक नहीं आएगा को, कोई जब हम चाहेंगे तब वर्षा बंद हो जाएगी जब हम चाहेंगे ये इस प्रकार की चीज़ नहीं है ये क्या है वो आगे वो बताती हैं लेकिन पहले हमें बता रही कि ये क्या इसका अर्थ नहीं लेना चाहिए मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि तुम इसको मिसइंटरप्रेट नहीं करना इस अनुभव को और ये कल्पना नहीं करना कि अब से सब कुछ वैसे होगा बिना किसी कठिनाई के और सब कुछ उस तरह से फेवरेबल होगा जैसे हमारी कामनाएं और इच्छाएं चाहती हैं ये उस प्लेन की बात नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि जब तुम नहीं चाहोगे तो बारिश नहीं होगी जब तुम चाहोगे तो धूप निकल आएगी कि जब मैं चाहूँगा कुछ होना उस प्रकार से चीज़ें संसार में होंगी और तक्षण होंगी कि सारी कठिनाइयाँ अचानक समाप्त हो जाएंगी और सब कुछ ऐसे होगा जैसे कि एक फेरी टेल में होता है परियों की कहानी में अभी भी हम देखते हैं कई बार सीमा के नाम पर लोग अरे बारिश रुक जाए अरे धूप कम हो जाए क्योंकि हम लोग इसी इसी में जीते हैं यही हमारा अल्टीमेट लगता है कि कई बार की यही अभिपसा यही हमारा कंफर्ट जोन है लेकिन भगवान तो जो क्रिएट करना चाह रहे हैं इससे कहीं अधिक है शेयरविंद स्वयं जब आते हैं कितने साइक्लोन्स आते हैं एक बार का तो साइक्लोन ऐसा आता है सीमा के आने के पहले की बात है कि पहले फ्लोर से गेस्ट हाउस में उनको दूसरे फ्लोर पे नीचे आना पड़ता है फिर वो साइक्लोन आता है और नीचे भी धराशाही करता है कई चीज़ों को श्री अरविंद जो सब सिद्धियों के स्वामी हैं इस, इस सिद्धि का प्रयोग नहीं करते कि हे hey, साइक्लोन तुम रुक जाओ बल्कि वो अपने अंदर इतनी तीव्र वो क्या करते हैं अपने अंदर शांति को और समता को इतना बढ़ाते हैं कि चाहे बाहर कैसा भी साइक्लोन हो रहा हो इसका मेरे अंदर तनिक भी लेश मात्र भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए ये एक साधक का तरीका होता है ना कि ये कि बाहर की चीज़ें मेरे इच्छा के अनुसार क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम है तो बारिश ना हो या धूप या, ऐसी हो जाए सीमा सचेत कर रही हैं ऐसा नहीं है इससे कहीं गहरी चीज़ है और फिर वो बताती हैं कि प्रकृति अपने खेल खेल में अचानक इस नई शक्ति को अपने अंदर स्वीकार कर लेती है और फिर वो उसको अब साधारण मानव चेतना से हम नहीं समझ सकते लेकिन वो बताती हैं कि अब हमको धैर्य के साथ और बहुत एक विशाल और बड़े कॉम्प्लेक्स विजन के साथ हम इन चीज़ों को देखना होगा और तब हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती हैं कि The miracles which take place are not what could be called storybook miracles in the sense that they don't happen as in stories. They are visible only to a very deep vision of things very deep, very comprehensive, very vast. वन मस्ट ऑलरेडी बी कैपेबल ऑफ़ फॉलोइंग द मैथड्स एंड वेज़ ऑफ़ द ग्रेस इन ऑर्डर टू रिकोगनाइज इट्स एक्शन वेज ऑफ द ग्रेस क्या है सीमा बताती हैं कि दो प्रकार से ग्रेस काम करती है एक जब वो शांति लाती है पीस लाती है और ये एस्पेक्ट ग्रेस का सब लोग रिकोगनाइज करते हैं चाहे वो आंतरिक डिस्टर्बेंस हो या बाहरी समस्या हो जब वो पीसफुल हो जाती है क्वाइट हो जाती है तो हम कहते हैं ग्रेस है सीमा कहती है लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट है क्या ग्रेस का जो हमको प्रगति की ओर ले जाती है हम लोग जनरली उसको ना रिकॉग्नाइज करते हैं ना वेलकम करते हैं एक जगह सीमा कहती हैं कि तुम लोग क्या समझते हो कि जब यह कहा गया है कि भगवान अपने बच्चों को अपने मित्रों को फायर का टेस्ट देकर के उनको तैयार करता है तो तुम समझते हो कि ये मजाक है ये सच है क्योंकि इसी प्रकार से जो सोना है वो कुंदन बनता है इसी प्रकार से लोहा स्टील में बनता है तो ये तो प्रोसेस है तो ये समझ लेना कि आज से हमारे लिए हमारी इच्छा के अनुसार चीज़ें होंगी और भगवान से केवल वैसा संबंध जोड़ना सुपरामेंटल फोर्स से ये तो अपने आप में एक फॉलसूट होगा तो सीमा बताती हैं लेकिन डीपर विजन में ये चीज़ें दिखाई देंगी अब क्या इसका अर्थ हुआ एक तो सीमा बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों को बता रही हैं बताती हैं कि वो प्रकृति के साथ खेल रही थी और अचानक Uh, माँ ने पूरी तरह अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ दिया आइडेंटिफाई कर लिया आई ज्वाइंट इन हर गेम एंड दिस मूवमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेसन प्रोवोक्ट रिस्पॉन्स ए सॉर्ट ऑफ न्यू इंटीमेसी बिटवीन नेचर एंड माई सेल्फ अब हम लोगों ने वो बिग होटल की बात कल पढ़ी थी जहाँ घर खोज रही थी वो जो नवयुवा कन्या है और उसकी माता तो अब पहले वो माँ बताती हैं कि वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में थे कि नहीं तुम्हारे तरह से नहीं मैं इसको अलग ढंग से चाहती हूँ अब देखिए यहाँ पर एक हिंट भी है कोई भी कठिनाई में सामंजस्य लाने का कन्फ्लिक्ट में अब सीमा क्या करती हैं अब दूसरा तरीका अपनाती हैं वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं नेचर के साथ अब यहाँ पर एक चीज़ और हमको समझनी है क्योंकि कई लोग ये कहते हैं जो भी हमारे जीवन में हो रहा है जैसे भी हो रहा है सब कुछ तो माँ की इच्छा से हो रहा है शेयरविंद सचेत करते है? नहीं ये सच है कि सब कुछ माँ की इच्छा से हो रहा है लेकिन लोअर प्रकृति में वो पीछे होती हैं और वो इच्छा डिस्टॉट होती जाती है हर एक लेवल पर जैसे कोई अगर आ, कहे कि आ, ये शब्द लिखो अहम ब्रह्माष्टमी और जब तक वो एक व्यक्ति जिसकी जो लिख रहा है इंस्ट्रूमेंटल कॉज जिसको कहा जाता है वो वहाँ तक पहुँचे तो वो अहम ब्रह्मास्मि को कुछ और डिस्टॉर्ट करके लिख दे कि मैं ही तो ब्रह्म हूँ या इवन ब्रह्म हूँ तो ये क्या होगा ये अपने आप में एक डिस्टॉर्शन हो जाएगा जो ओरिजिनल इम्पलशन है वो सत्य है लेकिन लोअर नेचर में वो क्योंकि वो ईगो के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कार्य करता है तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है ये शेरविंद माता पुस्तक में भी बताते हैं चैप्टर टू में कि सब चीज़ों के पीछे भगवान है लेकिन वो योग माया से छिपे हुए हैं और जो बताते हैं एस्पिरेशन रिजेक्शन सरेंडर ताकि श्री माँ का सामने आकर के निर्बाध गति से कार्य हो सके तो अब माँ तो सब कुछ है लेकिन लोअर नेचर में उनका कार्य डिस्टॉर्ट होता है इसीलिए संसार में हम इतना अधिक कष्ट पीड़ा ये सब भगवान नहीं चाहते हैं इतनी अधिक समस्याएं ईविल विकेडनेस ये चीज़ें हम देखते हैं लेकिन हमें क्या करना है हमें द डिवाइन मदर इन द हायर सुपर नेचर डिवाइन सुपर नेचर उसकी और उसको हमको अपने अंदर धारण करना है तो सीमा क्या करती है वो क्योंकि उन्होंने तो डिवाइन सुपर नेचर को लेकर आई हैं किंतु जैसे वो मनुष्यों के साथ आइडेंटिफाई कर लेती थी वैसे ही वो या पशु पक्षियों के साथ वो पूरी तरह पार्थिव प्रकृति के साथ आइडेंटिफाई करती हैं और वो बताती हैं कि देखो इस इंटिवेशी में कि ये खेल कैसा होगा मेरे आने के बाद नई चेतना के बाद और ये चीज़ फिर उनको 8 नवंबर उन्नीस को एक्सपीरियंस होता है नेचर अचानक समझ जाती है प्रकृति वो समझ जाती है कि यह नई चेतना जो अभी अभी जन्मी है वो वास्तव में कुछ भी रिजेक्ट नहीं कर रही है बल्कि सब कुछ एम्ब्रेस कर रही है अपनी टोटैलिटी में प्रकृति की किसी गति को वो रिजेक्ट नहीं कर रही है उसको एम्ब्रेस कर रही है और ना केवल एम्ब्रेस कर रही है उसको सुंदर बना रही है उसको और अधिक दिव्य बना रही है डज नॉट रिकॉयल इन फियर बिफोर दी फॉर्मिटेबल एम्पलीट्यूड ऑफ हर मूवमेंट एक सन्यासी कौन होता है जो डरा हुआ होता है भगवान से डरता है वो प्रकृति से डरा है अपने आप से डरा है ना जाने किन किन चीज़ों से डरा है इसीलिए जब अर्जुन के अंदर ये सन्यास का भाव आता है तो श्रीकृष्ण कहते हैं तू तो किन किन चीज़ों से भयभीत नहीं है तो वो भयभीत होकर प्रकृति इतनी विशाल है उसके इतने सारे मेथड्स हैं कि हम उसके सामने अचंभित हो जाते हैं चकित हो जाते हैं और अपने को श्रिंक कर लेते हैं और फिर इस संसार से दूर जाने की चेष्टा करते हैं लेकिन ये नई चेतना और इस नई चेतना को धारण करने वाले जो बींग्स होंगे वो सृष्टि की सभी गतियों को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन उनके अंदर एक दिव्यता सौंदर्य और सत्य को प्रकट करेंगे तो ये वो चेन प्रकृति समझ जाती है कि इट डज नॉट रिकॉय इन फियर बिफोर द फॉर्मिडेबल एम्पलीट्यूड ऑफ अर मूवमेंट बट वांट्स ऑन द कंट्रनी टू इंटीग्रेट ऑल इट्स फेसिट्स शी अंडरस्टूड दैट द सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस इज हियर नॉट टू डिमिनिश बट टू कंप्लीट हर यानी यह पार्थ शेयरबिन जो बताते हैं इट इज नॉट ए पाथ ऑफ सेल्फ एनलमेंट बट ए पाथ ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट केवल अंतर यह है कि सेल्फ वो छोटा वाला सेल्फ नहीं है बड़ा वाला सेल्फ हम ये कह सकते हैं कि डिवाइन सेल्फ फुलफिलमेंट सीमा इसको बताती है कि अवर गोल इज नॉट टू लूज अवर सेल्फ इन द डिवाइन परफेक्शन अबव बट टू मैनिफेस्ट इट एंड एक्सप्रेस इट इन ऑल अवर लाइफ तो उस पूर्णता को अपने जीवन में प्रकट करना है देन फ्रॉम द सुप्रीम रियालिटी केम दिस ऑर्डर अवेक ओ नेचर टू द जॉय ऑफ कोलेबरेशन परम चेतना परम सत्य वहां से ये आदेश आया मेटीरियल नेचर को कि तुम सहयोग दोगी तो उसका आनंद तुम्हें मिलेगा तुम सहयोग दो और पूरी प्रकृति अचानक सामने की ओर आनंदित होकर के बढ़ी ये कहते हुए आई एक्सेप्ट आई सेल कोलेबरेट मैं स्वीकार करती हूँ और मैं कोलेबरेट करूँगी सहयोग करूँगी और उसी समय एक बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रैंक्वलिटी वो शांति जो आती है जब हम भगवान के भगवान की वाणी को सुनते हैं और उसके अनुसार जीवन चलते हैं चलाते हैं चलने देते हैं नहीं तो फिर हमारा चित्त अशांत तो और अस्थिर रहता है इज दैट दी बॉडली वेसल कुड कंसीव एंड कंटेन विदाउट ब्रेकिंग विदाउट लूजिंग एनीथिंग द माइटी फ्लड ऑफ दिस जॉय ऑफ नेचर विच रस्ट फॉरवर्ड एज इन ए मूवमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड फिर जड़ प्रकृति के अंदर क्या जागता है एक कृतज्ञता का भाव कि अरे ये संभावना थी जो मुझे स्वयं नहीं पता थी मैं इसको सहस्र स्वीकार करती हूँ शी एक्सेप्टेड शी सॉ विद ऑल इटर्निटी बिफोर हर दैट दिस सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस वॉज गोइंग टू फुलफिल हर मोर परफेक्टली गिव ए स्टिल ग्रेटर स्ट्रेंथ टू द मूवमेंट ए ग्रेटर एम्पलीट्यूड मोर पॉसिबिलिटीज टू हर प्ले यानी अब वो खेल अपग्रेड हो गया जैसे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर गेम अपग्रेड होते रहते हैं तो अब ये वो देखती हैं कि ये तो आने से मेरा खेल और अधिक सुंदर बन जाएगा और अपग्रेड हो जाएगा तो क्यों ना मैं इसको स्वीकार करूँ और स्वीकृति के साथ अंदर में जॉय काम और ग्रैटिट्यूड जागृत होता है देन दीज वर्ड्स केम उसके पहले एक चीज बताती हैं कि वो सारा वो सुनती हैं Uh, सुंदर म्यूज़िक बि, बिना किसी फॉल्स नोट के वो चारों तरफ वो नाद स्वर बजने लगता है जैसे मानो पचास ऑर्केस्ट्रा एक साथ यूनिसन में बस्ट फोर्थ करते हैं जिसमें एक भी गलत स्वर नहीं है सारे स्वर जो सत्य के साथ जुड़े हुए हैं उस जॉय को अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रकृति और आत्मा नेचर एंड स्पिरिट के मिलने से होता है द मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स हु कम टुगेदर अगेन आफ्टर हैविंग बीन सेपरेटेड फॉर सो लॉन्ग बहुत सुंदर ये भाव है सावित्री में अंत में आता है जब प्रोफेसी होती है बुक इलेवन में कि नेचर सेल लिव टू तो मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले नेचर सेल मैनिफेस्ट यानी प्रकृति जो अब तक आवरण बनी हुई थी छिपा रही थी स्पिरिट को अब वो क्या करेगी उसको एक्सप्रेस करेगी ये अंतर दोनों के बीच आ जाएगा तो ये द स्पिरिट सेल टेक अप ह्यूमन प्ले और ये नेचर सेल मैनिफेस्ट द स्पिरिट विच इज़ विद इन तो ये इसके साथ ये शब्द प्रकट होते हैं जो नए साल का मैसेज माँ देती हैं एंड द रेडियंट फेलिसिटी ऑफ दिस स्पलेंडर वॉज सेंस्ड इन परफेक्ट पीस दिस इज हाउ द मैसेज फॉर द न्यू ईयर वॉज बॉर्न तो इसका एक अर्थ ये होता है एक चीज़ जो बिल्कुल स्पष्ट है यदि पार्थिव प्रकृति ने इसको स्वीकार किया इसका मतलब है उसमें से एक चीज़ यानी जो जो चीज़ों में पार्थिव प्रकृति कार्यरत है चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो एकदम जड़ तत्व हों ओशियन्स हों और सूर्य है चंद्रमा है सब में ये मेटेरियल यूनिवर्स में पार्थिव प्रकृति है और साथ ही सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए ह्यूमन बॉडी है तो ये न्यू सब्सटेंस अब ऑटोमेटिकली इसको हम इस प्रकार से देखें कि एक डिवाइन चिप के रूप में हमारी मेटेरियल बॉडीज में आ गया है इसके दूरगामी परिणाम होंगे ना केवल जड़ जगत में आजकल जो हम लोग बातें करते हैं ग्लोबल वार्मिंग और उथल पुथल क्या पता ये इसी सत्य का एक हिस्सा है कि ये उथल पुथल भी वास्तव में प्रिपेयर कर रही है जड़ प्रकृति को उस शक्ति को धारण करने और रिसीव करने के लिए अफकोर्स हम लोगों को पोल्यूशन नहीं करना चाहिए ये सब बिल्कुल सही बात है स्वच्छ रखना चाहिए लेकिन इसका एक दूसरा कारण है क्या पता है इवन जिसको हम कहते हैं कि ब्रेक होना सूर्य की शील्ड और अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही हैं जिससे अभी हम देखते हैं कि कैंसर होता है कई लोगों को शायद कालांतर में ये हमारी ही बॉडी के अंदर एक ट्रांसमिटेशन लाए और एक रेडियंट बॉडी की तैयारी करे हम भगवान के तरीकों को नहीं जानते हैं साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे आगे आएंगे उन्नीस के बाद सीमा बताती हैं कि उन्नीस के बाद और और भी अधिक सड़सठ के बाद 67 के बाद जो भी बच्चे आ रहे हैं वो एक नई चेतना को धारण करके आ रहे हैं और ख़ासकर वे जो लोग सीमा शे की ओर मुड़े हैं उनके जो बच्चे आ रहे हैं और इन जनरल जो आ रहे हैं जिसकी बात विजन एंड द बून में शेयर बताते हैं कि आई सॉ दी फोरनर्स दी ओमनीपोटेंट फ्लेमिंग पायनियर्स कम क्राउडिंग डाउन द एम्बर स्टेयर्स ऑफ बर्थ इन टू द लिटल रूम ऑफ ह्यूमन लाइफ द केम मॉर्निंग स्टार के पाथ की तरह वो आते हैं फेसिज दैट वोर द इमोटल्स ग्लोरी स्टिल लिप्स दैट चैंटेड एंड एंथम ऑफ द सोल वो सारे जो um, नई चेतना के बच्चे आएंगे क्योंकि इवन देह में जब वो प्रवेश करेंगे तो देह के अंदर भी अब सुप्रामेंटल सब्सटेंस कहीं फ्यूज्ड है और शायद इसी के कारण हम देखते हैं कि चाइल्ड प्रोडचीज जिस तरह से आजकल बढ़ रहे हैं और आजकल लगता है कि छोटे छोटे बच्चे इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं ठीक है हम इसको कह सकते हैं कि मेंटल इवोल्यूशन लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ है कि पिछले पचास वर्षों में ये इवोल्यूशन इतनी गति से हो रहा है हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी लेकिन टेक्नोलॉजी का ही इवोल्यूशन इतना कैसे हुआ है कि पिछले पचास वर्षों में वो सब हो रहा है जो पिछले लगभग चार हज़ार वर्षों में नहीं हुआ तीन हज़ार वर्षों में नहीं हुआ मनुष्य तो वही था उसकी इंटेलिजेंस भी वही थी साधन भी वही थे अनुभव भी वही थी संभावनाएं भी वही थी लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य के शरीर के साथ भगवान का एक चिप जुड़ गया है जो शरीर को अंदर अंदर से और जीन्स को और ये एक्चुअल स्टडीज़ हैं कि पिछले सौ वर्षों में धीरे 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 हमारे जीन्स भी हल्के हल्के बदल रहे हैं और उनका क्या परिणाम होगा कोई नहीं जानता चाहे वो 200-300 साल बाद हो लेकिन वो एक जो चेंज आ रहा है एक म्यूटेशन आ रहा है ये हम लोग अभी इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ये जो अनुभव है सीमा का जिसमें पार्थिव प्रकृति ने स्वीकार किया है सुप्रामेंटल सब्सटेंस को वो उसमें घुल मिल गया है इस मिट्टी के साथ उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे इसी साल ये नेचर ये गिफ्ट देती है फिर इक्कीस फरवरी उन्नीस को सीमा का जन्मदिन होता है तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग दो दिन मनाया जाता है बीस फरवरी और इक्कीस फरवरी को और थिएटर के कोर्ट में होता है और वहाँ पे एक ग्रैंड फ्लावर शो होता है पूरा एक टैंक जिसमें श्वेत कमल वो सारे डाल करके इस तरह का अरेंजमेंट होता है नृत्य होते हैं भरतनाट्यम कथक कथक कली और मणिपुरी डांस वो सरपन डांस भरतनाट्यम का जो कुंडलिनी का नृत्य है बड़ा सुंदर ये होता है उस समय पाठ मंदिर कलकत्ता से गोल्डन बुक एक भेंट की जाती है जो माँ के जीवन के बारे में है बड़ा वाइट वेलफेट कवर के अंदर और शाम के समय गरबा डांस और चंडी डांस भी होता है तो मानो पूरा आश्रम एक आनंदोत्सव मना रहा है Uh, लेकिन श्रीमा उस दिन जो मैसेज देती हैं वो बड़ा अद्भुत है श्रीमा मैसेज देती हैं सब स्वीकार करती हैं क्योंकि बच्चे उनको जो भी भेंट करें वो स्वीकार करेंगी लेकिन उनका मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है मैसेज है इक्कीस फरवरी उन्नीस का टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए ट्रांजिटरी बॉडी कैन सेटिस्फाई सम फेथफुल फीलिंग्स टू सेलिब्रेट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इटर्नल कॉन्शियसनेस

एक ट्रांजिशन में है यानी ये शरीर अस्थाई है और एक नया शरीर है जिसमें वो तैयार कर रही हैं प्रवेश कर रही हैं और इसलिए वो कहती हैं कि ठीक है फिर भी एक अस्थाई शरीर का इसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें कि एक अस्थाई देह का जन्म उत्सव मनाना कुछ निष्ठावान भावनाओं को संतुष्ट कर सकता है शाश्वत चेतना का प्रकटन उसका उत्सव मनाना कभी भी पूरे विश्व के इतिहास में कभी भी किया जा सकता है प्रत्येक क्षण किया जा सकता है किंतु एक नवीन जगत का जन्म उत्सव एक अति दुर्लभ एवं असाधारण कृपा है एवं वो प्रत्येक क्षण एक अति मानसिक जगत को एवं वो एक बहुत ही मार्वलस एक अति दुर्लभ और असाधारण कृपा है जिसको हम हमें ग्रहण करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए अब वो ये इंडिकेट कर देती हैं उसी समय से कि देखो ये सब ठीक है बहुत अच्छा है और प्रसन्न है क्योंकि बच्चे हैं इसमें खुश हैं जिसमें बच्चे खुश हैं माँ खुश हैं लेकिन वो बार बार स्मरण करा रही हैं कि अब हमारा कार्य क्या है और अब हमारा कार्य क्या है क्योंकि माँ बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं जड़ प्रकृति ने इसको ग्रहण कर लिया है तो अब सुपरामेंटल रेस इवन फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन अब निश्चित है आज नहीं तो कल तो हमें सचेत कर रही हैं और हमें समझा रही हैं प्यार से कि देखो हे मेरे मेरी संतान जिन्होंने जो पृथ्वी की भी संतान है अब ये दोनों एक हो रही हैं और अब तुम्हें इस सत्य को अपने अंदर धारण करना है इसको प्रकट करना है अपने जीवन में इसको सत्यनिष्ठा के साथ श्रद्धा के साथ एंड्योरेंस के साथ सेल्फ फॉरगेटफुलनेस के साथ सेल्फ गिविंग के साथ समर्पण के साथ इसको अपने जीवन में अभिव्यक्त करना है यही हमारा परम कर्तव्य है ताकि हम दिव्य जननी के सच्चे शिशु बन सकें तो यहाँ पे इस मैसेज के साथ हम लोग रुकें, रुकेंगे रुकेंगे टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ़ ए ट्रांजिटरी बॉडी can satisfy some faithful feelings to celebrate the manifestation of the eternal consciousness can be done at every moment of the universal history but to celebrate the advent of a new world this supramental world is a marvelous and exceptional privilege namaste